अब तक आपने देखा। भाभी जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त ना है। लामत खानदान, जान लूंगा मैं। रुको, राणा भैया मैंने प्रज्ञा को बचा लिया सर। बाबूजी प्रधान सिंह के गुंडों ने प्रज्ञा को जबरदस्ती कैद रखा था और कहा कि अगर राणा भैया ने जालिम सिंह की जान ले ली तो वो प्रज्ञा की जान ले लेंगे। अरे अरे बाबूजी पे गलत इल्जाम लगाई थे। बेगैरत इंसान, अपने भाई और बहन का बदला इस जालिम सिंह की मौत से ले। यो कौन सा इंसान, जालिम सिंह पहले ही लड़ाई लड़के सखार चुका है। मुझे लग रहा है कि अब तेरे जालिम सिंह के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। ये लकी सिंह इलावा तेरे इस जालिम सिंह के साथ अब बिना हाथ के लड़ेगा। बोल मंजूर से। मंजूर से। अब आगे। मार डालो इसको लक्की भाई। हे भोलेनाथ, लक्की जी को यो पाप करने से रोक लो। बहुत खुश नसीब कि मैं तुझे जान से नहीं मारा। हमारे बाबूजी ने हमें ऐसे संस्कार दिए, हमें इस अखाड़े की इज्जत करना सिखाया, इस अखाड़े की मिट्टी से प्यार करना सिखाया। अरे तुझे क्या मारना, तो पहले से ही मर चुका है। तुझमें इतनी हिम्मत नहीं, तू खड़ा हो, मुझसे आंखों से आंखें मिला। प्रधान सिंह ले जाइए इसे। जब तक सूरज चांद रहेगा
लक्की भाई का नाम रहेगा। लक्की भाई के जय। लक्की भाई के जय। लक्का भाई जय। लक्की भाई के जय। लक्की भाई के जय। लक्की भाई के जय। लक्की भैया की जय। लक्की भैया की जय। भाई के जय। लक्की भैया की जय। लक्की भैया की जय। लक्की भैया की जय। लक्की भैया की जय। अरे मारी नहीं राणा भाई की, और यो लड़ाई मैं नहीं, हमारे राणा भाई जीते। से छोड़ो, सिर्फ लाखा का ही गुण गाते रहोगे के? कोमल बिटिया और बरदान के गुण ना गाओगे? ये दूसरी बार है जो तैया परिवार ने हमारे अलावत परिवार पर उपकार किया है। ना ये दो होते ना राणा और प्रज्ञा जिंदा होते हैं। कमल बेटा, तूने राणा और प्रज्ञा की जिंदगी बचाकर पूरे परिवार पे बहुत बड़ा एहसान किया बेटा। तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बदले की आग में हमने अपने बेटे की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इसका इतना घिनौना परिणाम होगा। तूने सिर्फ राणा और प्रज्ञा की जान ही नहीं बचाई है, बल्कि हमें यह सिखाया है कि इंसान की जिंदगी से बड़ा मूल्य किसी भी चीज का नहीं है। आज इस जीत की खुशी के मौके पर अलाउद खानदान में जश्न होगा। जितेश दीपक, जश्न की तैयारी करो, आज धूमधाम से जश्न मनाया जाएगा। आज का दिन तुम्हारा से है, हमारा भी दिन आएगा। जितनी खुशियां कितना जश्न मनाना है मना लो, क्योंकि मैं बहुत जल्द तुम्हारी खुशियों को मातम में बदल दूंगा। हमारी लड़ाई अभी खत्म ना हुई सह, मैंने हार ना मानी सह। मैं कर दूं? तबीयत तो ठीक से, बुखार भी ना है।
सामने एक बात बता, तू छोटा सा भी काम करती है तो बिना स्पीड ब्रेक करके भाग के आती है, हमारे सर पे चढ़ के बैठ जाती है, लकी जी ये लकी जी वो बा, 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 बा। आज तू इतना बड़ा काम करके आई है और तू एक शब्द भी ना बोल रही। बात कुछ इसी से कि आज मेरा दिल खुशी से इतना भर गया से कि शब्दों में भी बयान ना हो सके। सही कहा तूने, आज तो मैं भी घना खुश हूँ। रे राणा भाई और हमारी बहन दोनों ठीक से और हमारे साथ से, तूने अपनी जान जोखिम में डाल के जो हमारे परिवार के लिए किया है, और अगर आज तू ना होती तो पता ही नहीं क्या हो जाता। लक्की जी जो होता है भले के लिए होता है, कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। तो बस एक दुआ से कि कमलाताई जी में जो बदले की आग लगी से वो बुझ जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। आप ठीक से? आप भी लक्की जी बड़े बदमाश हो। अच्छा धन्यवाद जो तुमने हमारे परिवार के लिए किया, दिल से शुक्रिया। इतना भी एक ही तो चीज चाहिए थी मने, बदला, मेरी छोरी का बदला। वो भी ना मिला, बदला वो भी ना मिल सका। वो भी जो मौका मेरे पास चल गया, खुदा रे यो दो नंबर तो सांप बन के बैठ गया है मेरी कुंडली में, सांप बन के बैठ गया मेरी कुंडली में। मेरा बेटा दो नंबर पे जिंदगी भर रहेगा, अरे अखाड़े में पिट रहा है, मार खा रहा है। कुछ नहीं कर पाया लेकिन जीतने का मौका आया तो बाजी लाखा और बड़ोले गए, बदला तो मैं लेके रहूंगी। चाहे मने कुछ भी करना पड़े रघुबीर सिंह मालती तेरे परिवार ने तो मैं नीचा दिखा के मानूंगी। माली कुछ भी कर लो इस अहलावत खानदान के खिलाफ, कुछ ना कुछ करके हमें पछाड़ी देते हैं। आज बाजी पूरी मेरे हाथ में थी, वो राणा भी मरने वाला था, लेकिन उस बड़ो और उसके पति लाखा ने सब चौपट कर दिया। मेरा आखिरी दांव भी इस तो नाबूद कर दिया। बाबूजी, भारे से सहन ना हो रहा से। सहलावत खानदान को कैसे भी करके बर्बाद करना से, तभी मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। बाबूजी ये बस, वो बकरियावाल का घर पता करने गया था, वो तो पूरा का पूरा खाली से, कोई ना रहता उधर। ये हुई ना बात। अब
देखना छोरा, तेरा बापू इस अलावत परिवार को कैसे पछाड़ता है। एक बार फिर सोच लो तो चुप तिखियाने वाला उपाय से अभी वक्त ठीक ना से। चल बाद में आते। तू तो पूरा डरपोक से। रुक, मन्ने बात करने दे आज। क्यों क्या तुम दोनों को ये खुसर-बुसर कर रहे हो? अरे वो भाई बात। कुछ बोल भी, वहाँ कुछ या बोलना कहीं और से शुरू कर दिया। बड़ो भाभी जी, वो जे बात यो है कि आज मारा ना पीने का मन से। मारा मतलब आपके हाथों अगर गर्मा गर्म अदरक वाली चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे वाह, यो तो बहुत अच्छी फरमाइश की आपने। मैं इब्बी लाती हूँ गर्मा गर्म चाय। इब्बी लाती हूँ गर्मा गर्म चाय। ओ पहलवान, तुझे कब से शौक पड़ गया ये चाय पीने का? वो अभी इभी, अभी। लकी जी आप भी ना, पहली बार तो इन्होंने कुछ मांगा से मेरे थे। और आप तो जानते हो दिल के जज्बातों पे काबू ना होता है। अपने जज्बातों को काबू में रख। ठीक से मैं इभी आई चाय लेके। पता से कि तुमने बड़ों को बाहर क्यों भेजा? एक सच्ची बात तो की, जल्दी 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 बात कैसे वो भाई जितेंद्र बताएगा। मैं तो भाई ऊपर रखिए, मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि मैं आज कैसे शुरू करूं। आज आप जानते हो कितना खुशी वाला दिन से जालिम सिंह की तो आपने ऐसे की तैसी कर दी और राणा भाई भी आज बिल्कुल सही सलामत है ना। आज तो खुशी वाला दिन से मैं कहता हूँ आज जश्न हो जाए। हाँ यार, जश्न तो जरूर होगा, करते हैं पार्टी शार्टी, जितना मन में है उतना नाचना। ओह, नाचना तो जरूरी से, इसीलिए आगे जितेश बतावेगा। अरे क्या जितेश बतावेगा, बोल है क्या? बताता हूँ ना भाई, बताता हूँ। गुस्सा क्यों करना, गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा सेहत के लिए खराब होता है भाई। वो मैं कह रहा था ना कि अब तो जश्न होने ही वाला है, नाच गाना भी होवेगा ही ना, तो क्यों ना हम किसी कटीली नचनिया को बुलाए। मैं बस इतना चाहता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा तो तुम दोनों चाहते हो कि कोई नचनिया आए घर में नाचने? हाँ जी। ना भाई, कोई जरूरत ना से। चल भाई, चल कोई जरूरत। क्या कह रहा है, बैठ तो जा, तेरी बात में दम से। अच्छा मैंने एक बात बता, ये आइडिया किसका? आइडिया लकी भाई, जितेश, जितेश का आइडिया से, और स्टाइल भी जितेश का से। ये लाखा का स्टाइल से। अरे बावले, तू भूल गया तू कहाँ पे है? अरे बाबू जी के होते हुए तू नचनिया को इस घर में लेके आएगा, घर की औरतों के सामने नचाएगा? हाँ बाबू जी काट के फेंक देंगे, भूल गया? ना 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 ना, उनको कैसे भूल सकते हैं, उनके लिए तो अलग से स्पेशल इंतजाम करेंगे ना हम। हाँ भाई, आप चिंता मत करो, मतलब इतने भी बावड़े ना से हम, बस आप एक बार हाँ कर दो। अरे सुन रे, बावड़ी पूछ, ये अपना घटिया आइडिया लो तुम दोनों और यहाँ से निकलो बाहर। कहना कि लखा भैया आप तो हो गए वो घर गृहस्थी वाले, हम लोग तो आजाद परिंदे थे, हम लोगों के बारे में भी सोचो ना लगी भाई। अच्छा वो क्या कहते हैं, लकी भाई फट्टू टाइप के हो गए हैं। अपनी जुबान को लगाम दे, मन्ने फट्टू ना बोलियो। हमें जो दिखे हम तो वो ही बोलेंगे ना। अरे कहा ना, फट्टू ना बोलियो। चलो ना बोलते, पर मानो या ना मानो थोड़े बहुत तो फट्टू हो गए हो। मैं तुम दोनों को ना आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगर मन ने फट्टू बोला ना तो ऐसी जगह मारूंगा कि बैठना भूल जाऊंगा।
ठीक है, हम नहीं बुलाएंगे, पर हम आपको मानेंगे तभी जब हम ऐसे तैसे करके नचनिया को ले आएंगे जश्न में और आप खुल के उसके साथ डांस करोगे। मैं तुम दोनों को एक बात बता दूं, तुम दोनों नमूने ना कितनी भी कोशिश कर लो तो चनिया को ना यहाँ ना लेके आप पाओगे। अरे आप जितेश को जानते नहीं हो, जितेश ऐसे घूमने का सरकारें बदल जाएंगी। एक बार और घूमियो। लो मैं तो ना बदला, अगर मैं ले आया तो चैलेंज। ठीक से फिर चैलेंज है लाखा सिंगलावत का, अगर तू उस नचनिया को इस घर में ले आया ना तो मैं पूरे परिवार के सामने ना उसके साथ नाचूंगा। ओके